हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीषा तोमर आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक छोटा सा बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड क्या होता है स्टूडेंट्स? लैक्टिक एसिड इज फाउंड इन मिल्क। बेसिकली लैक्टिक एसिड को हम कहाँ फाउंड करते हैं? मिल्क के अंदर। मिल्क में मिलने वाला एसिड कौन सा होता है? कर्ड एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में मिलने वाला एसिड होता है लैक्टिक एसिड। अगर हम इसकी केमिस्ट्री की बात करें तो इसकी केमिस्ट्री होती है, इसका फॉर्मूला होता है CH3CHOHCOOH। अगर मैं इसका कॉम्पैक्ट फॉर्मूला की बात करूं तो देखिए इसके अंदर कितने कार्बन होते हैं, 1, 2, 3। C3H देखिए 1, 2, 3, 3 और 3, 6। एंड ऑक्सीजन कितने होते हैं, 2 and 3 O3। अगर आप इसका कॉम्पैक्ट स्टेक फॉर्मूला देखते हैं लैक्टिक एसिड का तो C3H6O3 होता है। अब हम बात करते हैं कि स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ लैक्टिक एसिड क्योंकि हम बात कर रहे हैं। डियर लर्नर्स, आइसोमेरिज्म दो टाइप की होती है, एक होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं उसे हम बोलते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। अगर हमसे पूछी जा रही है किसी पर्टिकुलर कंपाउंड की स्टीरियो केमिस्ट्री, दैट मीन्स कि हमसे पूछा जा रहा है कि वो किस टाइप की स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो टाइप की होती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो लैक्टिक एसिड होता है ये एक ऑप्टिकल आइसोमर होता है। लैक्टिक एसिड कैसा आइसोमर है? ऑप्टिकल आइसोमर है। और ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स, एक होते हैं डी टाइप के और दूसरे होते हैं एल टाइप के। डी मीन्स होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डी टर्म का मतलब क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंड एल का मतलब होता है लीवो रोटेटरी। इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मैंने अपने चैनल पे कंप्लीट वीडियो बना रखी है, यहां सिर्फ मैं आप लोगों के साथ स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ लैक्टिक एसिड के साथ आई हूं। आप कंप्लीट आइसोमेरिज्म को वॉच करना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हो, मेरे लेक्चर्स अवेलेबल है। लैक्टिक एसिड के दो आइसोमर होते हैं डी एंड एल। अब पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे सामने कंपाउंड दिया हुआ है क्या हम इसको अंडरस्टैंड कर पाए। इस कंपाउंड का मतलब होता है लर्नर्स, इस पॉइंट का मीन्स है कार्बन। ए कार्बन विच कंटेन्स 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप, दैट कार्बन इज नोन एज काइरल कार्बन और एसिमेट्रिक कार्बन। यहां पे आप चाहे इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री देखें या सेंटर ऑफ सिमेट्री देखें, ये अनसिमेट्रिक कार्बन होता है, एसिमेट्रिक कार्बन होता है, एसिमेट्रिक कंपाउंड होता है। तो लैक्टिक एसिड में आप देख रहे हैं एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक मिथाइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब हमें पता कर रहे हैं कि हमारे पास दो कंपाउंड है, अगर मैं यहां पे मिरर लगा दूं तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज है, जस्ट कंपाउंड 1 एंड कंपाउंड 2 आर मिरर इमेज टू ईच अदर। अब इनमें से कौन सा मेरा डी आइसोमर होगा और कौन सा मेरा एल आइसोमर होगा, बिकॉज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है तो यहाँ पे दो आइसोमर होंगे, या तो डी और एल। तो यही मुझे पता करना है कि कौन सा मेरा डी आइसोमर है और कौन सा मेरा एल आइसोमर है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए ये 11th और 12th की बुक्स में इसके बेसिक्स नहीं दिए हुए होते हैं, तो अगर आप 11th 12th के स्टूडेंट हो या बीएससी के स्टूडेंट्स भी हो तो इसको आप केयरफुली वीडियो को एंड तक देखना और लास्ट में आप कंफर्म किसी भी कंपाउंड का डी और एल आइसोमर इजीली फाइंड आउट करना सीख जाएंगे। अगर नहीं सीख पाए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं दोबारा से समझाऊंगी विद डिफरेंट एग्जांपल। अब देखिए इसके लिए कुछ सीक्वेंस रूल्स होते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री के नेमिंग करने के लिए या कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करने के लिए। इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट सीक्वेंस रूल होता है कि हम क्या करते हैं, जो अटैचिंग एटम्स या ग्रुप होते हैं उनके फर्स्ट एटॉमिक नंबर के बेसिस पर प्रायोरिटी देते हैं कंपाउंड को। 4 डिफरेंट कंपाउंड्स या ग्रुप्स एटम्स या ग्रुप अटैच्ड है, तो यहां हमारा ग्रुप अटैच्ड है OH, जिसका ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, कार्बन का 6 और हाइड्रोजन का 1।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो बिल्कुल सेपरेट हो गए, लेकिन कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन और मिथाइल का कार्बन, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है। इसमें हम कैसे प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करेंगे? सेकंड सीक्वेंस रूल को हमें फॉलो करना होता है। सेकंड सीक्वेंस रूल कहता है कि अगर फर्स्ट एटम से प्रायोरिटी डिसाइड नहीं होती है तो हमें सेकंड एटम देखना पड़ता है, और इसके लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड को देखती हूँ तो मेरे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला है, और अगर मैं मिथाइल को देखती हूँ तो मेरे पास सिर्फ ये है कि तीन हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसके पास थ्री हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर हम सेकेंड एटम देखते हैं, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी मोर होती है देन सिंगल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है प्लस टू ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और यहां सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट है जिसका एटॉमिक नंबर वन होता है, और कोई भी डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट नहीं है। तो इस केस में हमें क्या प्रायोरिटी ऑर्डर, किसको ज्यादा मोर देंगे? एसिडिक ग्रुप हैज मोर प्रायोरिटी ऑर्डर देन मिथाइल ग्रुप। तो सेकेंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे मेरा ऑक्सीजन हो गया, सेकंड नंबर की प्रायोरिटी मैंने कार्बोक्सिलिक ग्रुप को दे दी, थर्ड नंबर मिथाइल को, और हमेशा फोर्थ नंबर पे कौन जाता है? हाइड्रोजन जाता है। अब हम देखते हैं रोटेशन। डेक्स्ट्रो रोटेशन मीन्स होता है क्लॉकवाइज रोटेशन, और लिवो मीन्स होता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, और जो रोटेशन होता है वो वन टू फोर्थ होता है। अब यहाँ हम देखते हैं तो हमारा वन नंबर यहाँ पे, टू सिक्वेंस यहाँ पे, थ्री यहाँ पे और फोर्थ यहाँ, तो यहाँ पे रोटेशन हमारा हो गया वन टू फोर्थ, जिस जो कि क्या है, एंटी क्लॉक वाइज है, यानी कि ये कंफॉर्मेशन हो गया एल लैक्टिक एसिड का, ये है एल लैक्टिक एसिड। इसके अपोजिट जो इसकी मिरर इमेज होगी वो डी लैक्टिक एसिड होगी। आप खुद से इस रूल को फॉलो करते हुए फाइंड आउट करिए, अगर आपकी डी लैक्टिक एसिड नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट में कमेंट करिए और सजेशन दीजिए कि क्या बेस्ट हो सकता था जिससे आपके लिए क्लियरली ये समझ में आ जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।